खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया के चिकित्सालय में हंगामे का दौर रहा। जिला अस्पताल में ओपीडी बंद, डॉक्टर समेत सभी कर्मचारी लगभग ढाई घंटे रहे हड़ताल पर। आम जनता इलाज के अभाव में रही परेशान। तकरीबन ढाई घंटे इंतजार के बाद शुरू हुई ओपीडी। पुलिस के काफ़ी प्रयास के बाद फिर से शुरू हुआ ओपीडी। दरअसल पूरा मामला जिला अस्पताल के फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पुलिस द्वारा मारपीट कर थाने में बिठाने का है आरोप, जिसको लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। काफी मशक्कत के बाद फिर से शुरू हुआ जिला अस्पताल में ओपीडी। सीएमएस कार्यालय के सामने बैठे हैं। हमारी मांग है कर्मचारी को कोतवाली से छुड़ाने का। क्यों, क्या हुआ कि कर्मचारी के साथ? ओम प्रकाश रावत हमारे वार्ड बॉय हैं, ओपीडी के वो कार्यरत है। इमरजेंसी में आए थे कुछ काम से, उनको पुलिस वाले उठा ले गए। क्यों उठा ले रहे हैं, क्या उसमें कोई लड़की ट्रेनिंग करती है? वो ट्रेनिंग भी है भी नहीं, रजिस्टर हम लोग चेक कर लिए, वो लड़की ट्रेनिंग नहीं करती है। वो ब्लेम लगाई है कि हमारा 20,000 रुपया और मोबाइल ये ले लिया है, इसी में पुलिस वाले उनको जबरदस्ती उठा लेगा। ओम प्रकाश के ऊपर नहीं ब्लेम लगाई, ओम प्रकाश के ऊपर ब्लेम नहीं, दूसरे लड़के को छुड़ाने के लिए। वो लड़का गया ओम प्रकाश रावत गया है छुड़ाने के लिए, राम उनको जबरदस्ती पुलिस वाले उठा लेगा। किसके ऊपर ब्लेम लगा था? कौन लेके आया? कोई दूसरा लड़का है वो। और ओम प्रकाश रावत स्टाफ है, ओम प्रकाश राम वार्ड बॉय, उसका भाई लगेगा वो, वही ऊपर ब्लेम लगा था। उसके भाई के ऊपर ब्लेम लगा था, ये गया पूछने के लिए तो इसको भी पुलिस वाले ने ये बोला भी है कि मैं भी स्टाफ हूँ, यहीं पे स्टाफ हूँ, तब भी पुलिस वाले हाथ छोड़कर उसको उठा लिए। कौन लड़की है, लड़की क्या नाम है? लड़की वो तो ट्रेनिंग में। अभी आप लोग कार्य बहिष्कार करके बैठे? जी, कार्य बहिष्कार, पूरा अस्पताल बंद, कार्य बहिष्कार करके हम लोग बैठे। आज कोई कार्य नहीं होगा? कोई कार्य नहीं, जब तक आप लोग की हड़ताल चलेगी, जब तक उसको छोड़ नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। इमरजेंसी छोड़कर सब चीज बंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।